हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मैं कौन सी रेमेडी यूज़ करती हूँ। साथ ही अगर आप इस तरह की खूबसूरती और ये वादियाँ देखना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाम है इंडियन यूट्यूबर वंदना भारद्वाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेमेडी। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक का ये इतना छोटा सा टुकड़ा। तो इसे अब हम अच्छी तरह से बाहर से छील लेंगे और वॉश कर लेंगे। इसके बाद मैं एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से पीसेस काट के इसे मिक्सर जार में भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि हमें इसका रस चाहिए। तो अदरक को अच्छी तरह से हमने ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद मुझे चाहिए एक प्याज। तो ये देख सकते हो आप, लगभग इतना ये मैंने प्याज लिया है। और इसे भी हम ग्रेटर की ही हेल्प से इस तरह से ग्रेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें तो ग्रेटर का अगर आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्सर जार के लिए आप छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लीजिए और फिर मिक्सर जार में इसे एक ब्लेंड दे दीजिए, तब भी आपका काम ईजी हो जाता है। और अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरह से अदरक और प्याज को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब हमें लेना है एक बाउल और ये जो हमने तैयार किया है इसका रस हमने निकालना है। तो आप एक कपड़े की हेल्प से इसे अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह का आपने एक कॉटन क्लॉथ लेना है और फिर ये देखिए अभी सारा का सारा जो भी जूस है ना वो आसानी से निकल जाता है। तो अच्छी तरह से आपको निचोड़ लेना है और ये रस आपने ले लेना है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें आंवला भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और बाकी एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने डालनी है इसमें, वो है विटामिन ई का ये कैप्सूल। और विटामिन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई है, तो हमने 2 कैप्सूल इसके इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरह से जो इसके अंदर का ऑयल है वो अच्छी तरह से हमने निकाल लेना है। तो दोनों कैप्सूल का ऑयल हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है। और आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो ऑयल लगे हुए बालों में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बस हमारा पैक बन के रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ हमने यहाँ पे नहीं किया है। बस आपके ही किचन की 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो है ये अदरक और प्याज। और ये दोनों ही चीज़ें हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि इनमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। तो पैक हमारा बन के रेडी हो चुका है और अब किस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है अपने बालों में, तो चलिए वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये है मेरी रेमेडी और मैंने लिया है ये कॉटन। और कॉटन की हेल्प से ना ये लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आपको इस तरह से कंफर्टेबल ना लगे तो आप ड्रॉपर या फिर स्प्रे बॉटल की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी वाला तरीका है। और मैंने अपने बालों में पहले ऑयलिंग कर रखी थी, हैवी ऑयलिंग करी हुई थी, उसके बाद मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, बालों को हटा हटा के स्कैल्प में हमें इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हम थोड़ी सी देर इसमें मसाज करेंगे अपने बालों में, ताकि जो ये हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हमारे बालों की रूट्स तक जाएं और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले। और मसाज करने से ऐसे भी ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होगा और हेयर ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सल्फर प्रचुर मात्रा में प्याज में पाया जाता है और अदरक में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। तो हफ्ते में आपको लगभग ये 2 बार लगाना है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जितनी बार आप हेयर वॉश करते हो तो उतनी बार अगर आप इस तरह से ऑयलिंग करते हो और ऑयलिंग करने के बाद कोई इस तरह का पैक यूज़ करते हो तो आपकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती है। साथ ही अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं हमेशा ही हेयर वॉश करने से पहले कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो बस ये अच्छी तरह से हल्के हाथों से हमने इसे मसाज करना है और फिर बाद में आप जो भी आपका फेवरेट वाला शैम्पू है उससे अपना हेयर वॉश कर सकते हो। हेयर फॉल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी। इसी तरह की यूज़फुल रेमेडीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।